आरडी शर्मा सॉल्यूशन है ये, क्लास 12 चैप्टर 19 एक्सरसाइज है 19.9। हम बात कर रहे हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल्स की। साइन इनवर्स एक्स, इसका डायरेक्ट आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये dx बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई भी कैच नहीं है। यानी अगर मैं t को साइन इनवर्स x लेता हूं तो dt बाय dx बनता है आपका 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस dx को यहां ले जाइए, देखिएगा ये जो पार्ट है ये आपको पूरा dt मिल गया। इंटीग्रेशन कैसे बनेगा इसका? इंटीग्रेशन में ये साइन इनवर्स एक्स होल क्यूब बन गया टी क्यूब, और ये पूरा का पूरा dx by under root 1 minus x square आपका dt बन गया। तो ये बना t to the power 4 by 4, x to the power n plus 1 by n plus 1 वाला फॉर्मूला मैंने लगाया है, और t की जगह फिर आप ये जो रखा है sin inverse x इसको तब्दील कर दीजिए, पावर 4 कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 4 कर दीजिए, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कर दीजिए, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, अगर आप रेफरेंस लेना चाहते हैं तो यहाँ उपलब्ध है। अब log x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट x 1 बाय x होता है, तो dx बाय x आपको मिल जाएगा, ये तो आपको यहां से दिख रहा है। लेकिन मैं आपसे हमेशा आग्रह ये करता हूं कि जहां कांस्टेंट टर्म हो वहां पर आप पूरे को t लीजिए। कहने का मतलब ये है कि आप t जो है log x ना लेके 2 प्लस 3 log x पूरा ले लीजिए। इससे फायदा क्या होगा, जैसे आप dt बाय dx करेंगे तो देखेंगे कि ये तो चला जाएगा 0, 3 बाहर आ जाएगा और log x का सीधा 1 बाय x बन जाएगा। तो अगर आप इसको यहां ले जाते हैं और 3 को नीचे ले आते हैं तो dt by 3 हो गया dx by x, यानी ये जो पूरा आपके पास कंटेंट है ये dt by 3 हो गया। तो इंटीग्रेशन किस तरीके से बनेगा, मैं 3 को यहां लेता हूं, dt को यहां लिख देता हूं। अब ये साइन अंदर तो t लिया है आपने, तो ये हो गया साइन t। साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस t। तो माइनस कॉस t, t की जगह क्या रख दे, एक ही स्टेप में कर देता हूं, वैसे आपको दो स्टेप में करना है, डायरेक्ट 2 प्लस 3 log x रख देते हैं और ये आपका 1 बाय 3 यहां आ गया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका उत्तर होगा। इसको लिखना कैसे है सिलसिलेवार, वो आपके सामने ये है। आप ये देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है, एक्स स्क्वायर को आप टी रखेंगे डायरेक्ट आपको एक्स डी एक्स मिल जाएगा, और इकी पावर टी का तो इकी पावर टी ही होता है, तो मैं ये डायरेक्ट दिखा देता हूं आपको, इसमें कोई ऐसी स्पेशल चीज नहीं है, सीधा एक्स स्क्वायर को टी रखिए डायरेक्ट आंसर आएगा ई टू द पावर 2x और 1 प्लस e रेज x। अब ये भी क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो e की पावर 2x को आप सीधा e की पावर x इंटू e रेज x लिख सकते हैं, क्योंकि पावर जुड़ जाएगी तो e रेज 2x हो जाएगा। अब e रेज x को आप ले लीजिए t, तो dt by dx क्या बनेगा, e की पावर x का तो e की पावर x होता है, कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं है ताकि उसका भी डिफरेंशिएशन कर सके, तो dt हो गया e रेज x dx। तो इसको कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन होगा ये e रेज x, देखिए इसको हमने लिखा e रेज x इंटू e रेज x, ये आपका dx ऑलरेडी है, ये पूरा का पूरा आपका dt हो गया, तो यहाँ dt लिख देते हैं। अब बचा क्या, ये e रेज x बचा और नीचे 1 प्लस e रेज x बचा, है ना। अब यहां पर एक समस्या आएगी, मैं आपको दिखाता हूं वो क्या समस्या आएगी। नीचे यहां आपने t रखा और ये 1 प्लस t हो गया, तो यही कैच हो जाता है। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि जो भी आप t रख रहे हैं अगर उसके साथ कांस्टेंट है तो उस पूरे को t लीजिए। अब देखिए यही चीज जो मैं करूंगा, 1 प्लस e रेज x को t रख के, तो dt by dx क्या बनेगा, सेम चीज बनेगी, e रेज x ही बनेगा, मानते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ा, ये भी यही आया e की पावर x dx। लेकिन क्या करेंगे, ये ऊपर का जो क्योंकि डिनोमिनेटर 1 प्लस टी आ गया, ऊपर हम 1 प्लस टी एक्सपेक्ट कर सकते थे या 1 माइनस टी, नीचे अगर टी होता तो आराम से इसका इंटीग्रेशन हो जाता। तो इसको मैं एक गलत तरीका मानता हूं, सही तरीका ये है, चलेगा यही e रेज x, e रेज x dx, इसकी जगह तो मैं dt रख देता हूं, यहां कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर e रेज x है, नीचे 1 प्लस e रेज x है, तो 1 प्लस e रेज x तो t हो गया, और ऊपर का e रेज x जो एक बचता है उसको यहां से निकालेंगे, क्या निकलेगा, देखिए इस 1 को यहां ले जाइए, तो e रेज x बन गया आपका t माइनस 1। अब ये जो बना है t माइनस 1 बाय t, इसका इंटीग्रेशन बहुत आसानी से होगा, जैसे ये t बाय t यानी कि ये पहला हो गया और ये हो गया 1 बाय t dt, ये कट गया, dt का इंटीग्रेशन क्या हुआ, dt का t होता है तो t रख दीजिए, ये आपका log हो गया, log मॉडुलस ऑफ t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। t क्या माना था आपने, याद करिए t आपका क्या था, 1 प्लस e रेज x, तो 1 प्लस e रेज x माइनस log को कर दीजिए आप, log 1 प्लस e रेज x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको छोड़ देंगे ऐसे, लेकिन मैं आपको बताऊं अगर आप वाकई में मैथमेटिक्स समझते हैं तो यहाँ पर एक कैच और है, वो क्या कैच है, ये है कांस्टेंट, आपने यहाँ कांस्टेंट रखा है, तो यार ये क्या बात हुई कि कांस्टेंट यहाँ रखा है, एक कांस्टेंट को अलग से जोड़ दिया, ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट में क्या अंतर है, दोनों कोई ऊंच नीच तो है नहीं दोनों में, बेसिकली ये कांस्टेंट और ये वन तो एक ही हुआ ना, तो इस सी या सी प्लस वन, ये इसको आप सी डैश कर दीजिए या कैपिटल सी कर दीजिए,
कॉन्स्टेंट तो कॉन्स्टेंट है, तो इसका जो फाइनल आंसर है वो है ई रेज एक्स, ये वन हटा दीजिए, इस कॉन्स्टेंट के साथ जोड़ दीजिए, इसको आपको हटाना है बस ये, बाकी सब चीजें वैसी लिख दीजिए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, चाहे तो उसको कैपिटल कर दीजिए, सी प्राइम कर दीजिए, आपके ऊपर है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। सो आप अंतर समझ गए कि ई रेज एक्स करने से क्या समस्या आती है, वन प्लस ई रेज एक्स करते ही आपका कितना आसान बन जाता है। और लास्ट में मैंने जो आपको बताया, देखिए लॉग मॉडुलस टी वाली बात तो मैं बता चुका हूं कि भाई मॉडुलस में रखना है, लेकिन सी प्लस वन कॉन्स्टेंट अगेन बनेगा, ये एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने यहां छोड़ दिया तो आपके मार्क्स कटने की संभावना है। इसके साथ जोड़ दीजिए फिर आंसर लेके आइए। इस क्वेश्चन में तो खैर ऐसे मेरे ख्याल से 10 क्वेश्चन कर चुके हैं हम। रूट एक्स है आपका, रूट एक्स को ही टी रखना है, और रूट एक्स को टी रखते ही आपका डी टी बाय डी एक्स बनेगा 1/2 रूट एक्स, ये तो हम आपको शायद अच्छी तरह याद हो गया होगा। डी टी 2 ऊपर ले आइए और ये dx बाय रूट एक्स हो गया। dx बाय रूट एक्स यहाँ दिखे, देखिए ये पूरा का पूरा आपका 2dt है। इंटीग्रेशन आपका बनता है, ये हो गया sec स्क्वायर, रूट एक्स की जगह t रखा आपने, dx बाय रूट एक्स पूरा 2dt हो गया, तो 2 यहाँ ले लेते हैं, dt यहाँ ले लेते हैं। और अच्छी बात ये है कि sec स्क्वायर t का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है tan t, 2 यहाँ पर है प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, 2 tan t, tan यहाँ हो गया, t है आपका रूट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए कितने कम स्टेप का सवाल था ये, और ये आप अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हम बहुत अटेम्प्ट कर चुके हैं। ये है इसका सही उत्तर जो आप फॉलो कर सकते हैं, tan क्यूब 2x sec 2x dx। अब इसमें हमें करना क्या है, पहले आप सोचिए कि हम क्या रखेंगे तो क्या मिलेगा। अगर हम sec 2x इस पूरे को dx रखते हैं तो sec x का तो sec x tan x डिफरेंशिएशन मिल जाएगा, तो यहां पर तो tan क्यूब 2x है, उसका क्या करें, तो इसमें tan स्क्वायर अलग कर लेते हैं, tan अलग कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। यहां पर देखिए ये tan क्यूब 2x को हम रख रहे हैं, एक तो tan स्क्वायर 2x, इस sec 2x को यहां लिख देता हूं, ये आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एकदम इसी तरीके से हम t रखने पर उत्तर आएगा। थोड़ा सा मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूं, यहां पर हमने क्या किया, 2 ले लिए, तो 1 बच गया यहां पर, tan 2x sec 2x यहां बीच में आ गया। ये है इंटीग्रेशन हमें जो परफॉर्म करना है। अब देखिए कितना आसान हो गया, sec 2x को आप t रखिए, अब sec 2x को आप जैसे ही t रखेंगे तो क्या मिलेगा, dt by dx, sec x का क्या होता है, sec x और tan x, है ना, इसलिए मैंने इन दोनों को साथ रखा है ना, sec x tan x ये हो गया। लेकिन अब आपकी बात आती है कि भाई ये sec square 2x अगर आपने t रखा है तो इन ये दोनों कैसे आएंगे, ये t बनेगा ना, ये t बन गया तो sec x tan x को कैसे इंक्लूड कर सकते हो आप, तो उसके लिए हम तरीका क्या अपनाएंगे, यहां पर है tan square 2x, इसको आप अब जानते हैं कि tan square x का फॉर्मूला होता है sec square x minus 1, तो इसको आप लिखिए sec square 2x minus 1, ये हो गया। यहां पर sec x sec 2x tan x यहां से ले लीजिए, dt बराबर ये यहीं पे कर देता हूं, यहां dx हो गया, तो पूरा क्या हो गया dt, तो ये पूरा का पूरा आपका dt हो गया, इसको dt कर दीजिए, sec आपने 2x t माना था तो ये t square minus 1 हो गया dt। आप समझ में आया आपका क्या क्या फेयर करना है इसमें, तो sec x 2x को वैसे रहने दीजिए, tan cube 2x को tan square 2x और tan 2x रख दीजिए, tan square 2x को sec square 2x minus 1 रखिए, फिर आप sec 2x को t रखिए, तो इससे क्या होगा, जो आपके पास dt आएगा वो पूरा का पूरा ये आ जाएगा, जिसको आप मतलब जो पूरा का पूरा है उसको dt रख सकते हो, तो t square minus 1 इंटीग्रेशन ये आपका आ गया। अब आप आराम से कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ t square अलग से कर दीजिए और इसका इंटीग्रेशन ऑफ dt अलग से कर दीजिए, ये हो गया आपका t cube by 3, ये हो गया आपका t plus constant of integration। t cube में क्या करना है, sec लिया था आपने तो sec 2x इसका क्यूब कर दीजिए, आगे आप 1/3 लगा दीजिए, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, यहां तक काम नहीं रुकेगा, हमेशा ध्यान रखना है कि ये 2x का भी तो कुछ करेंगे आप, तो 2x का डिफरेंशिएशन होता है, ये 2 आएगा उसको हम डिनोमिनेटर में डालते हैं, तो यहां पर 3 into 2 यानी कि 6 लिख दूं इसको डायरेक्ट, ये आपका 6 हो गया, माइनस t की जगह क्या रखेंगे sec 2x, लेकिन आप देखिए इस sec 2x का इंटीग्रेशन करके भी तो आपका ये 2 का क्या करेंगे आप, यहां पर जो आपने किया बेसिकली यहां ये जो 2 आया है ना यहां से नहीं आया है, देखिए मैं फिर से बता रहा हूं आपको, ये 3 ही है, यहां पर sec x 2x tan x 2x किया, यहां पर 2 आया, ये थोड़ा सा मिस हुआ मुझसे, ये 2 यहां पर आ जाएगा, बेसिकली dt by 2 है ये, हाफ ऑलरेडी चल रहा है, ओके इसके बाद नहीं आएगा, हाफ ऑलरेडी चल रहा है, अब हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो गया, ये आपका हाफ हो गया प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो मैं जरूर लिख दूं, क्योंकि d by dx जब आप कर रहे हैं तब 2 भी आएगा, वही 2 1/6 बनाते हैं, यानी कि फाइनल आंसर इसका ये आता है 1/6 sec cube 2x minus sec 2x
डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है जी, लिखेंगे कैसे, इसको दर्ज कैसे करेंगे, वो आपके समक्ष है, ऐसे आप कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, टिपिकल इसलिए है कि यहाँ पर अंडर रूट है x प्लस 1, अब इसको कैसे डील करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ये टिपिकल सवाल है, इसलिए हम क्या करते हैं, इस अंडर रूट को हटाते हैं, यानी कि अंडर रूट टी को रखते हैं अंडर रूट एक्स प्लस 1, इससे क्या मिलेगा टी स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 1। तो इसका डिफ्रेंसिएशन अगर हम करते हैं, पहले मैं बता दूं आपको कि x क्या बनेगा इससे, टी स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि हम आगे यूज करेंगे, और इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2t dt बाय dx, देखिए 2t dt बाय dx इक्वल्स टू, ये तो 1 हो गया, तो dx क्या बना 2t dt बराबर dx हो गया। अब इस पे आइए, यहाँ इंटीग्रेशन बन रहा है आपका, ये इस जगह पे dx की जगह यहाँ रख दीजिए 2t dt, तो ये हो गया 2t dt। यहाँ पर x है, x क्या होगा टी स्क्वायर माइनस 1, इसको आपने t माना ही है, और डिनोमिनेटर में हो गया x प्लस 2, x प्लस 2 यानी पे यहाँ पर प्लस 2 कर दीजिए, x प्लस 2 क्या बनेगा टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, यानी कि टी स्क्वायर प्लस 1 हो गया है, तो टी स्क्वायर प्लस 1 हो गया है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको अंदर, 2 का हम बाद में डील करते हैं, अभी रहने दीजिए, सीधा मल्टीप्लाई करिए, तो टी इंटू टी स्क्वायर हो गया टी क्यू, ये हो गया माइनस टी, और टी इंटू टी प्लस टी स्क्वायर बाय टी स्क्वायर प्लस 1। अब मैं थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करूंगा, देखिए इंटीग्रेशन और dt साइन सब चल रहा है, वो आपके साथ है, वैसे थोड़ा परिवर्तन करता हूँ, देखिए तो टी स्क्वायर प्लस टी और माइनस टी, ये ऑलरेडी है माइनस टी, ऑलरेडी आपने जोड़ा ना टी, तो ये माइनस टी मैं इसलिए कर रहा हूं, तो एक एक माइनस टी और करना पड़ेगा हमें। अब यहां पर आइए, इस टी के साथ ये तो एक चीज मिल गई, अब इधर पे आइए टी स्क्वायर, हम क्या करेंगे टी स्क्वायर में 1 जोड़ते हैं और 1 घटा देते हैं, तो इससे फायदा क्या हुआ, नीचे आपका क्या है टी स्क्वायर प्लस 1, तो ये पहला वाला देखिए टी क्यू प्लस टी बाय टी स्क्वायर प्लस 1, यहां तक ठीक है, इस यहां पर ये वाला जो कंटेंट है इसको देखिए, प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर प्लस 1, इन दोनों से चीजें मिल गई, ये क्या बना माइनस 2t माइनस 1 बाय टी स्क्वायर प्लस 1। अब यहां पर अगर हम t कॉमन लेते हैं तो टी स्क्वायर प्लस 1 बनेगा, नीचे टी स्क्वायर प्लस 1 है, ये तो कैंसिल ही हो गया, तो यहां केवल dt बचा, यहां dt और ये आपका आया माइनस में है, तो dt है, और ये माइनस कर दीजिए 2t प्लस 1 बाय टी स्क्वायर प्लस 1, इसको जब आप हटाएंगे तो ये आपका टी डी टी बना, ये आपका डी टी हुआ, सब में इंटीग्रेशन साइन चल रहा है, ध्यान रखिएगा इंटीग्रेशन सब में चल रहा है, टी डी टी प्लस डी टी। अब इसका कुछ देखना पड़ेगा इसका, तो इसको हम अलग करते हैं, माइनस 2t बाय टी स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 1 बाय टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहाँ दो तीन चीजें हैं, पहले ये वाला डायरेक्ट कर देते हैं, ये क्या बनेगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, सबको अलग अलग कर रहा हूं मैं, आप सबका अलग अलग आंसर लिखेंगे, टी डी टी का क्या होगा टी स्क्वायर बाय 2, इस dt का क्या बनेगा t, ये दोनों हमें मिल गए। अब इस पे आते हैं 2t बाय टी स्क्वायर प्लस 1, 2t बाय टी स्क्वायर प्लस 1, तो टी स्क्वायर प्लस 1 को आप रखो कुछ p, तो dp बाय dt बनेगा आपका 2t, तो dp बाय 2 हो जाएगा tdt, तो tdt की जगह क्या होगा, यहां पर कर देता हूं इसको 2dt, ये tdt जो होगा वो dp बाय 2 हुआ, और यहाँ 2 ऑलरेडी है, तो इस 2 को काट देता हूँ, dp लिख देता हूँ सीधा, नीचे क्या है टी स्क्वायर प्लस 1 जिसको p माना है, तो अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो log p बनेगा, और p क्या माना है आपने टी स्क्वायर प्लस 1, तो log टी स्क्वायर प्लस 1, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लस log जो है आ रहा है वो log टी स्क्वायर प्लस 1, तो log टी स्क्वायर क्या माना था आपने x प्लस 1, तो x प्लस 1 प्लस 1 बेसिकली क्या बनेगा log x प्लस 2 आ गया, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, ये माइनस में है ध्यान रखिएगा। अब इसको मैं जरा चेंज कर देता हूं, क्योंकि यहाँ टी स्क्वायर लिख दिया ना, आप सब x के टर्म्स पे लिख देते हैं, टी स्क्वायर बाय 2, टी स्क्वायर बाय 2 क्या हुआ टी स्क्वायर है x प्लस 1, x प्लस 1 बाय 2, तो x प्लस 1 बाय 2 प्लस टी क्या है, टी हमारा था अंडर रूट x प्लस 1, तो अंडर रूट x प्लस 1, इसकी जगह क्या लिखेंगे माइनस लॉग मॉडुलस x प्लस 2, चलिए यहां तक हो गया। अब यहां पर आइए देखिए 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए या कुछ भी कांस्टेंट ले लीजिए, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है आप जानते हैं, ये तो सीधा 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स का होता है ना, इसका इंटीग्रेशन 1 बाय टी स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन इनवर्स टी, ये तो होगा, और टी आपका लिया है अंडर रूट एक्स प्लस 1, यहां पर अब मैं जोड़ रहा हूं माइनस में टेन इनवर्स टी आ रहा है और टी आपका अंडर रूट एक्स प्लस 1 है, तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं एक्स प्लस 1। ठीक है जी, यहां तक समझ में आ गया, लेकिन ध्यान रखिए 2 से मल्टीप्लाई करना है अभी इसको, ये 2 मैंने कहा था बाहर है आपका, ये वाला 2 ऑलरेडी बाहर है, 2 को बाद में डील करेंगे, ये इसलिए काटा था, अब ये 2 यहां भी 2 यहां भी 2 यहां भी 2, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, फाइनल क्या बनता है, फाइनल आंसर लिख रहा हूं x प्लस 1 इसका हो गया प्लस 2 अंडर रूट x प्लस 1 हो गया, और ये माइनस 2 log, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई किया अभी, log x प्लस 2 हो गया, और माइनस ये हो गया 2 tan इनवर्स अंडर रूट x प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो दो चार चीजें इसमें करनी पड़ेगी, ये तो पहली चीज ये है कि अगर ये वाली चीज समझ गए कैसे हुआ है, तो बाकी चीजें आप आराम से निकाल देंगे।
तो इसका फाइनल सॉल्यूशन भी आप देख लीजिए, इसको कैसे करना है, ये इसका फाइनल सॉल्यूशन है। यानी कि कई स्टेप इसमें मैंने आपको अलग से बताए हैं, ये एक केवल समरी है, लेकिन जैसे मैंने बताया उस तरीके से आप करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट वाला थोड़ा रीजनिंग जैसा ज्यादा सवाल लग रहा है। 5 की पावर 5 की पावर 5x 5 की पावर 5 की पावर x 5 टू द x, तो अपने पास बनता क्या है, अपने पास यही चीज बनती है और बाकी सब चीजें देखते हैं क्या क्या बनता है इसका। तो सीधा t को रखिए 5 raise x। अब a टू द पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे d/dx, तो क्या होता है इसका, मैं आपको यहीं पे करके दिखा देता हूँ। dt/dx बनेगा a टू द पावर x log बेस e a, ये होता है। तो 5 की पावर x log बेस e 5, मैं बेस e नहीं लिख रहा हूँ, मान के चलिए यही है, ये कॉन्स्टेंट है, इसको यहाँ उतार दीजिए dt/log 5 और यहाँ आएगा 5 raise x dx, ये अपने पास ऑलरेडी है। अब इसको यहां से मोटिवेट करेंगे, यानी कि इसके साथ अलाइन करेंगे, तो 5 की पावर x dx की जगह dt/log 5 है, 1/log 5 मैं यहां लिख देता हूं, कांस्टेंट है ना, और यहां dt लिख देते हैं। अब ये 5 की पावर 5x, यानी कि ये 5 है, 5 की पावर x अपने t माना, तो 5 की पावर t हो गया, ये यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ये क्या हो गया 5 की पावर 5x, यानी कि 5 की पावर 5 और उसकी पावर t हो गया। तो आपका क्या लगता है, यहां से तो काम बना नहीं है ना, आधा काम बना है। अब एक लेवल और जाएंगे, अब मैं सेकंड लेवल, ये फर्स्ट लेवल मान लीजिए, ये सेकंड लेवल है। अब 5 टू द पावर t को हम p लेंगे, तो dp/dt करेंगे इस बार, तो क्या बनेगा 5 की पावर वही a की पावर x log बेस ई a, फिर से आ गया ये log 5, फिर से नीचे आएगा dp/log 5 और ये बनेगा 5 की पावर t dt। तो 5 की पावर dt ये पूरा क्या बन गया, log p/log 5, तो एक बार log 5 और बाहर आ गया, तो log 5 इसका स्क्वायर हो गया ये, और इंटीग्रेशन में आप क्या बना, ये 5 की पावर t dt, तो dp और ये log 5 मैंने यहाँ यूज कर लिया, 5 की पावर 5t, अब ये बन गया आपका 5 to the power, क्योंकि ये तो पूरा अपने p लिया था, तो p हो गया। अब 8 to the power, यानी कि 8 to the power x का इंटीग्रेशन करना है, 8 to the power x का इंटीग्रेशन होता है 8 to the power x log बेस ई ए, यानी अगर हम 5 की पावर p का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, 5 की पावर p का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो सकता है, 5 की पावर p log 5, इसको लिख देते हैं। अच्छा, एक log 5 और आ गया, तो ये क्यूब हो जाएगा, तो 1/log 5 इसका होल क्यूब हो गया जी, एक और क्यूब आ गया, ये पूरे का इंटीग्रेशन यहां से आप ले लीजिए 5 की पावर p प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, लेकिन अभी p को क्या कन्वर्ट करना है, 5 की पावर t, तो इसको मैं यहां कन्वर्ट करता हूं, 5 की p की जगह 5 टू द पावर t, लेकिन t क्या लिया आपने, 5 की पावर x, 5 टू द पावर 5 और t की जगह 5 टू द पावर x, तो फाइनल आंसर जो लिख रहा हूं मैं वही है 5 5 5 x, नीचे आ गया log 5 और इसका होल क्यूब प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका उत्तर हो गया। अब इसको करेंगे कैसे वो आप देख लीजिएगा, दो लेवल का इसमें आपको लेटिंग या अज्यूमिंग करनी है, उसके बाद काम आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये x लाना है नीचे, ये कैसे आएगा, और इस x की पावर 4 को भी कुछ डील करना है, तो यहां पर एक काम को थोड़ा सा अलग काम करना पड़ेगा, कैसे, अपने आप बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम x की पावर स्क्वायर को जानते हैं कि ये x देगा, 2x देगा, तो यहां पर हम क्या करेंगे, अपने आप एक x इंक्लूड करेंगे यहां पे, तो ये x स्क्वायर हो गया। अब इस चीज को x की पावर 4 को हम x स्क्वायर की पावर स्क्वायर लिखेंगे, यानी हम क्या कर रहे हैं, अपना x यहां पर अपने आप इंट्रोड्यूस किया, इसके कारण ये x स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये सीधा x था तो x स्क्वायर हो गया, अंदर की चीज जो हुई वो x स्क्वायर की पावर स्क्वायर, x की पावर 4 को हमने x स्क्वायर की पावर स्क्वायर रख दिया और -1। अब हम अपने नॉर्मल रूटीन पे आ जाते हैं, एक्स स्क्वायर को टी रखते हैं, dt/dx आपका बनेगा 2x, तो dt/2 हो गया आपका xdx, यहां तक ठीक है, ये xdx हो गया, यानी आपको न्यूमरेटर यहां से मिल गया dt/2, तो क्या करेंगे dt/2 dt यहां कर देता हूं, इंटीग्रेशन 1/2, इस पूरे को अब हम इस टर्म्स में लिखेंगे, 1/x² लिया आपने t, ये हो गया आपका t² - 1, क्योंकि x² t है, उसका स्क्वायर -1 है। अभी आप देखिए जो sec इनवर्स t, अगर आप इसको मतलब अगर आपके पास sec इनवर्स ये चीज कंटेंट है, तो sec इनवर्स का जो रिवर्स होता है वो ये होता है ना, यानी इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी sec इनवर्स t, ये आप अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ d/dx ऑफ sec इनवर्स t होता है ये कंटेंट, उसको उल्टा कर दीजिए आप, ये जो फाइनल बना है वो आपका यहां से यहां तक ये है sec इनवर्स t, इसका इंटीग्रेशन होता है sec इनवर्स t, ये आपको आना चाहिए, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, काम हमारा खत्म हो चुका है, sec इनवर्स के साथ t लगा दीजिए जो आपका x square है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
कुछ, ये इसका उत्तर हो गया। कितना बढ़िया, कितना आसान हो गया ये, है ना। तो कर लेंगे, तो ये है इसका फाइनल आंसर। इसमें थोड़ा सा आपको एक एफर्ट यहां पर लगेगा कि भाई यहां पर एक्स करना है, इसको एक्स स्क्वायर करना है और इसको एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करना है, फिर एक्स स्क्वायर को टी लीजिए, फिर एकदम मक्खन की तरह आपका काम हो जाए। अब थोड़े टिपिकल क्वेश्चन शुरू होंगे तो वो हम अगली बार लेंगे। तब तक ले शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।